एक समय का जिक्र है, धौल नगर के महाराजा पद्मसेन, जिनका नक्षत्र नाम त्रिलोकचंद भी था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। मैनावती गुरु जलंधरनाथ की सेवा किया करती थी। एक दफ़ा जलंधर कहने लगे, बेटी मैं तेरी सेवा में बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए तू कुछ मांगना चाहे तो मांग सकती है। मैनावती कहने लगी, बाबा मैं संतानहीन हूँ, मेरी कूख से एक संतान होनी चाहिए। गुरु के आशीर्वाद से मैनावती की कूख से एक लड़की जन्म लेती है, जिसका नाम चंद्रावल था। एक रोज राजा रानी बैठे बैठे विचार करते हैं कि पुत्र के बिना वंश कैसे चलेगा। तो फिर दोबारा मैनावती गुरु जलंधर नाथ की सेवा में चली जाती है और हट करके बैठ जाती है कि बाबा मैं तेरे से एक संतान लेकर ही रहूंगी। जलंधर नाथ मैनावती की हट को समझ गए और कहने लगे, जा तेरी कूख से एक लड़का जन्म लेगा जो 12 साल के लिए उधारा। मैनावती कहने लगी, मंजूर है। सजनों, मैनावती की कूख से फिर एक लड़का जन्म लेता है जिसका नाम गोपीचंद रख दिया। गोपीचंद की शादी रानी पाटमदे के साथ में हो गई थी। उदय 12 साल बीतने को आ गए, कुछ दिन बाकी रह रहे थे। एक रोज सोती हुई रानी पाटमदे को सपना आया तो अपने पति राजा गोपीचंद से कहने लगी, एक अचंबा मन पियाजी देखा रात में, सुन लो तुम्हें सुना पिया सपने की बात में, सुन लो तुम्हें सुना पिया सपने की बात में, एक अचंबा मन पियाजी देखा रात में, सुन लो तुम्हें सुना पिया सपने की बात में, सुन लो तुम्हें सुना पिया सपने गया नाथ में, सुन लो तुम्हें सुनाऊं पिया सपने की बात में, सुन लो तुम्हें सुनाऊं पिया सपने की बात में। हो गई ढोली बड़ी पड़ी से लाग गई बिन फुड़के की गोली, हाँ भरी पड़ी से लाग गई बिन फुड़के की गोली, तुम बस मिटा झोली तेरे देखा गात में, सुन लो तुम्हें सुनाऊं पिया सपने की बात में, सुन लो जगाई
हाथ जोड़ के बतलाऊं मेरी जान बड़ी घबराई, हाथ जोड़ के बतलाऊं के मारांड बनाई मैं नावत मात ने, हाँ भेला के मारांड बनाई मैं नावत मात ने, नारी नोद वाले ब्यास ने मां ले ले साथ में, सुन लो तुम्हें सुनाऊं पिया सपने की बात में, सुन लो तुम्हें सुनाऊं पिया सपने की बात में, चंद महाराज कहने लगे रानी कभी सपने वाली बात सच नहीं होती है, लेकिन पाटम दे रानी घबरा जाती है कि कभी सपना सचा न हो जाए। उधर 12 साल बीतने को आ गए, माता मैनावती को बड़ी चिंता हो जाती है, लेकिन हिम्मत करके अपने पुत्री गोपीचंद को पास में बैठा कर समझाती है, कहने लगी बेटा जोगी बन जा। अरे जोगी हो जा रे गोपीचंद मेरा लाल, काल बेरी खा जागो, जोगी हो जा रे गोपीचंद मेरा लाल, काल बेरी खा जागो, जोगी हो जा रे गोपीचंद मेरा लाल, काल बेरी खा जागो, जोगी हो जा रे गोपीचंद मेरा लाल, काल बेरी खा जागो। जोगी हो जा रे गोपीचंद मेरा लाल, काल बेरी खा जागो, जोगी हो जा रे गोपीचंद मेरा लाल, काल बेरी खा जागो, जोगी हो जा रे गोपीचंद मेरा लाल, काल बेरी खा जागो। 12 साल को लाई थी उधारो, 12 साल को लाई थी उधारो, पूरो हो गयो कोल करारो, पूरो हो गयो कोल करारो, डटी डट नहीं उड़ा गिरे झाल, काल बेरी खा जागो, डाटी डटे नहीं उड़ा गिरे झाल, काल बेरी खा जागो, जोगी हो जा रे गोपीचंद मेरा लाल, काल बेरी खा जागो, जोगी हो जा रे गोपीचंद मेरा लाल, काल बेरी खा जागो। जोगी हो जा रे गोपीचंद मेरा काल बेरी खा जागो, जोगी हो जा रे गोपीचंद मेरा लाल, काल बेरी खा जागो, जोगी हो जा रे गोपीचंद मेरा लाल, काल बेरी खा जागो। मेरी भूख ने कर दे उजागर, मेरी भूख ने कर दे उजागर, अलख जगा दे बेटा जा कर घर घर, अलख जगा दे बेटा जा कर घर घर, यो तो झूठ जंजाल, काल बेरी खा जागो, यो तो झूठ जग जंजाल, काल बेरी खा जागो, जोगी हो जा रे गोपीचंद मेरा लाल, काल बेरी खा जागो, जोगी हो जा रे गोपीचंद मेरा लाल, काल बेरी खा जागो। जोगी हो जा रे मेरा लाल, काल बेरी खा जागो, जोगी हो जा रे गोपीचंद मेरा लाल, काल
सफल बना ले, जीवन तेरा सफल बना ले। कहे मैं नवती सुन मेरा लाल, साल भरी खा जागो। कहे मैं नवती सुन मेरा लाल, साल भरी खा जागो। योगी हो जा रे गोपीचंद मेरा लाल, साल भरी खा जागो। योगी हो जा रे गोपीचंद मेरा लाल, साल भरी खा जागो। योगी हो जा रे गोपीचंद मेरा लाल, साल भरी खा जागो। योगी हो जा रे गोपीचंद मेरा माता गोपीचंद को समझाती है, लेकिन गोपीचंद महाराज कहने लगे, माताजी मैं एक राजा होकर जोगी कैसे बन जाऊं, ये आप क्या कह रही हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। उधर माता मैनावती चिंता में डूब जाती है, खाना पीना सोना उठना बैठना सब दुश्वार हो गया। दासी जाकर के राजा गोपीचंद को कहने लगी, महाराज आप एक राजा हैं, महान आदमी हैं, और राजा होकर के घर का फैसला आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी माताजी ने कई दिनों से अन्न पानी त्याग रखा है। दासी की बात सुनते ही महाराज गोपीचंद तुरंत ही अपनी माता के पास में आते हैं और कहने लगे, अरे दासी का सुन बोल गोपीचंद, तुरत महल में आया, साची बात बता दे माँ क्यों दुर्बल होगी काया। साची बात बता दे माँ क्यों दुर्बल होगी काया। दासी का सुन बोल गोपी चंद, दौड़ महल में आया, साची बात बता दे माँ क्यों दुर्बल होगी काया। साची बात बता दे माँ क्यों दुर्बल होगी। तेरा कहना पुगा दूंगा माँ, सुन ले मेरी बात।
मैं सुख से नहीं जी सकती हूँ। गोपीचंद महाराज कहने लगे, माता जैसा तुम चाहती हो वैसा मैं करने के लिए तैयार। तो माता मनावती गोपीचंद को लेकर के गुरु जलंधर नाथ की शरण में चली जाती है। गुरु जलंधर नाथ कहने लगे, बेटी कैसे आना हुआ? माता कहने लगी, गुरुदेव गोपीचंद को अपना चेला ग्रहण करो। तो जलंधर नाथ कहने लगे, अरे चाली जा घर ने वापस रानी, फिर पछतावेगी। गोपीचंद की श्यान तने नर ढूंढी पावेगी। गोपीचंद की श्यान तने ना ढूंढी पावेगी। चाली जा घर ने वापस रानी, फिर पछतावेगी। गोपीचंद की श्यान तने ना ढूंढी पावेगी। गोपीचंद की श्यान तने ना ढूंढी पावेगी। ओ चाली जा घर रे वापस रानी, फिर पछतावेगी। गोपीचंद की श्यान तने ना ढूंढी पावेगी। ओ गोपीचंद की श्यान तने ना ढूंढी पावेगी। ढूंढी पावेगी ना तने ढूंढी गोपीचंद की शान तने ना ढूंढी पावेगी। ओ गोपीचंद की शान तने ना ढूंढी पावेगी। राज करे सिर ताज धरे कोई कमी नहीं धन की। सीधी चल कर आगी से क्यों लाज गमावे घर की। ओ सीधी चल के आगी से क्यों लाज गमावे। रो रो मर जागी। गोपीचंद की शान तने ना ढूंढी
शानी बड़ी महल में रोवे जीवा बाटम दे रानी आँख के माँ भर भर पानी रुदन मचावेगी गोपीचंद की शान तेरे ना ढूंढी पावेगी गोपीचंद की शान तेरे ना ढूंढी पावेगी माटी में मिल जावे ओ राजपाट रंग मेले हवेली माटी में मिल जावे सतगुरु ज्ञान बतावे सारा राज गमावेगी गोपीचंद की शान तनैना ढूंढी पावेगी गोपीचंद की शान तनैना ढूंढी पावेगी जलंधर नाथ बहुत समझाते हैं लेकिन मैनावती अपनी जिद को नहीं छोड़ती। तो गुरु जलंधर नाथ अलग एक आसन पर बैठा करके गोपी चंद के दोनों कान चीर देते हैं। एक कान से दूध की धार निकलती है, दूसरे कान से लहू की धार निकली। मैनावती कहने लगी, महाराज गुरुदेव शरीर एक है, कारण दो कैसे? जलंधर नाथ कहने लगे, बेटी तेरी आत्मा साफ है इसलिए एक कान से दूध आया है, और रानी पाटमदे की आत्मा साफ नहीं है इसलिए लहू की धार निकली। इतना सुनकर के मैनावती अपने घर आ जाती है। उधर गोपीचंद से जलंधर नाथ कहने लगे, बेटे कान फड़वाने से जोगी नहीं होते हैं, भस्मी रमाओ। झोली चिमटा कमंडल हाथ में लेकर के अपने महलों में जाकर के रानी पाटमदे से माता कह करके भिक्षा मांगो, तब तेरा जोग सफल होगा। गोपीचंद महाराज गुरु के आदेश अनुसार तन में राख रमाली, झोली चिमटा कमंडल हाथ में ले लिया और पाटम देरानी के महलों में चले गए, जाकर के अलख जगा दिया और कहने लगे, जोगी बन कर आया जी, महल में अलख जगाया जी, करम गति नारी लिखी करम की रे टरे ना तारी, राजपाट तज दीना मेल अटारी। जोगी बन कर आया जी, महल में अलख जगाया।
करे
शेखावत तेरा मामूली गाना हो नाथ सिंह शेखावत तेरा मामूली गाना चंदन ने जोड़ सुनाया जी भजन ने जोड़ सुनाया जी बीरबल हाथ बटाया जी बीरबल हाथ बटाया जी मतन कर प्यारी पाठ दगदी नर बहन पटारी हो जोगी बन कर आया जी महल में अलख जगाया जी करम गत नारी लिखी करम सजनों रानी की काया कांपने लगी और तिवड़ा खा करके जमीन पर गिर जाती आंखों का कजरा बहने लगा मांग की रोड़ी मिट गई होठों की लाली उड़ गई और हाल से बेहाल हो गए। उधर गोपीचंद महाराज जोगी के भेष में कहने लगे कि तू मेरी रानी नहीं आज से तू मेरी माता है इसलिए माताजी राजी होकर के जोगी को भिक्षा डाल दो ताकि मेरा जोग सफल हो जाए। सजनों माता का नाम सुनते ही रानी रुदन करने लग जाती है और कहने लग गई पिया झोली दूर बगाओ जी दुखिया नारी अर्ज करे मेरा कैन पुगाओ जी पिया झोली दूर बगाओ जी दुखिया नारी अर्ज करे मेरा कैन पुगाओ जी
दुखियारी नारी थारी दुखियारी नारी थारी थोड़ी दया बिचारो तड़ी ने मारो मत घर की लाज गमाओ जी दुखिया नारी अरज करे मेरा कैन पुगाओ जी या थोड़ी दूर भगाओ जी दुखिया नारी अरज करे मेरा कैन पुगाओ जी या थोड़ी दूर भगाओ जी दुखिया नारी अरज करे मेरा कैन पुगाओ पिया मेरी छाती भर भर आई थोड़ा दिल में तो शरमाओ जी दुखिया नारी अरज करे मेरा कैन पुगाओ जी या थोड़ी दूर भगाओ जी दुखिया नारी अरज करे मेरा नाथु सिंह शेखावत अपनी लगन मगन में रहना अपनी जोड़ कविता गाओ जी दुखिया नारी अरज करे मेरा कैन पुगाओ जी या थोड़ी दूर भगाओ जी दुखिया नारी अरज करे मेरा कैन पुगाओ जी या थोड़ी रोती हुई रुदन मचाती है लेकिन राजा गोपीचंद के रानी के रुदन का कोई असर नहीं हुआ। राजा कहने लगा, रानी थी जब तक थी, अब तू मेरी माता है, भगवान तेरा भला करेगा, हंसती हंसती भिक्षा डाल दे ताकि मेरा जोग सफल हो जाए। रानी पाटम दे अपनी सासू मैनावती के पास में जाती है और कहने लगी कि इतना बड़ा सासू जी, ये जुल्म तूने किया है मेरे जीवन साथी को, तूने मेरे को सदा, यानी तूने मेरे से सदा के लिए अलग कर दिया। तो कहने लगी, ए तेरा बेटा ने समझाए मात बड़ा जुल्म किया, 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 बेटा ने समझाए मात बड़ा जुल्म किया,
सब बताए बात बड़ा दुल्हन किया तेरा बेटा ने ये समझाए बात बड़ा दुल्हन किया तेरा बेटा ने समझाए बात बड़ा दुल्हन किया तेरा बेटा ने समझाए बात बड़ा दुल्हन किया ओ गी तेरा बेटा ने ये समझाए बात बड़ा हाथ जोड़ कर अर्ज गुजारी फिर बिन कौन सुने गए मारी फिर बिन कौन सुने गए मारी दस गारा में फस गिए गाय मात बड़ा जुलम किया दस गारा में फस गिए गाय मात बड़ा जुलम किया बेटी तू रुधन मचावे नाथु सिंह रसना से गावे नाथु सिंह रसना से गावे प्रभु बेड़ा ने पार लगाए मात बड़ा दुल्हन किया प्रभु बेड़ा ने पार लगाए मात बड़ा दुल्हन किया अपनी पुत्र वधू रानी पाटम दे को समझाती है बेटी गोपीचंद एक अमानत थी मैं गुरु जलंधरनाथ से सिर्फ 12 साल के लिए उधारा लेकर आई थी वो 12 साल पूरे हो गए अब तो एक ही रास्ता है तू हंसती हंसती भिक्षा डाल दे गोपीचंद अमर हो जाए और इसके साथ साथ में तेरा भी संसार में अमर नाम रहेगा जब असली भेद को जानने के बाद में रानी पाटम दे रुदन करना छोड़ देती है और गोपीचंद महाराज को हंसती हंसती भिक्षा डाल देती है महाराज गोपीचंद अलख निरंजन करते वहां से चल देते हैं राजपाट सब छोड़ चला थरे बन गया परम फकीर छोड़ दी रानी ने राजपाट सब छोड़ चला थरे बन गया परम फकीर छोड़ दी रानी ने राजपाट सब छोड़ चला था बन गया परम फकीर छोड़ दी रानी ने छोड़ दी रानी ने छोड़ दी नी रानी ने राजपाट सब छोड़ चला थर बन गया परम फकीर छोड़ दी रानी राजपाट सब छोड़ चला था बन गया परम फकीर छोड़ दी रानी
जाने छोड़ चला निज माता ने सुंदर महल अटारी छोड़ी छोड़ चला निज माता ने तज मो माया का नाता ने किया हरि भजन से सिर छोड़ दी रानी ने राजपाट जट छोड़ दिया थर छोड़ चला राजपाट जट राजा भस्म रमा राखी राजा भस्म रमा राखी तुम चिमटा झोली हाथ में कर्म झोली ठा राखी तुम चिमटा झोली हाथ में कर्म झोली ठा राखी सुरत भजन में ला राखी थिर सत की पकड़ जंजीर छोड़ दी रानी राजपाट सब छोड़ चला थर बन गया परम फकीर छोड़ दी रानी ने राजपाट सब छोड़ चला था बन गया परम फकीर छोड़ दी रानी ने राजपाट सब छोड़ चला थर महाराज गोपीचंद जी गुरु जलंधर नाथ के उपदेश के अनुसार चंद्रावल से मिलने के लिए गोड़ बांग्लादेश की तरफ जाते हैं। लेकर के उपदेश गुरु से गोड़ बंगाला जाते हैं लेकर के उपदेश गुरु से गोड़ बंगाला जाते हैं। चंद्रावल से मिलने का वो मन में मता उपाते हैं चंद्रावल से मिलने का वो मन में मता उपाते हैं। ध्यान गुरु में लाते हैं गुरु हर लेंगे सब पीर छोड़ दिन रानी ने राजपाट सब छोड़ चला थर बन गया परम फकीर छोड़ दिन रानी ने राजपाट सब छोड़ चला था बन गया परम फकीर सब छोड़ चला थर बन गया परम फकीर छोड़ दी नी रानी ने राजपाट सब छोड़ चला था बन गया परम फकीर छोड़ दी रानी ने। नाथ सिंह शेखावत तेरा गुरु जी बेड़ा पार करे नाथ सिंह शेखावत सत्कार करे सुंदर लेख लिखे वीर बल गुणियों का सत्कार करे विद्वानों से प्यार करे कर सुख संपत में सिर छोड़ दिन रानी ने राजपाट सब छोड़ चला थर बन गया परम फकीर छोड़ दिन रानी ने राजपाट सब
प्रकार सजनों गोपीचंद जी महाराज यानी गोपीचंद जी महाराज को माता के सहयोग से बैराग उत्पन्न हुआ था और गौड़ बंगाला जादूगुरु के देश में अपनी बहन चंद्रावल से मिलने के लिए गोपीचंद जी महाराज चल देते हैं। रास्ते में गोपीचंद जी महाराज को कैसी कैसी मुसीबतों का सामना किया और बहन चंद्रावल के घर जाकर के अपना परिचय गोपीचंद जी महाराज देते हैं और कैसा कैसा विलाप चंद्रावल करती है, ये सारा किस्सा अगले भाग में सुनने को मिलेगा। बोलो गोपीचंद जी महाराज की।